सरकार, वो लड़की मेले में आई रही, अब वो कौन थी, कहां से आई थी, ये बात हम लोग कैसे बताएं सरकार? तुम लोग ऐसे नहीं बचाओगे। तुम इतने लोगों में कोई भी उस ब्लादी छोकरी को नहीं पहचानता है। तो बताओ कौन थी वो छोकरी? अभी मालूम नहीं साहब, अभी नहीं मालूम साहब। शाम तक मुझे उस लड़की का पता चाहिए, वरना इस मामले के अंदर आए हुए हर आदमी को पता चल जाएगा कि हम ब्रिटिश से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। झूठे दिलासों से हमें खुश मत कीजिए दीक्षित जी। महाराज, झूठ का सहारा लेकर प्रशंसक नहीं बनना चाहता। सेवक एक ऐसी देवी से मिलकर आ रहा है जिसमें साक्षात दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी विराजमान है। नहीं दीक्षित जी, उनमें तो साक्षात सरस्वती समाई है। महाराज, वो तो सर्वगुण संपन्न है, घुड़सवारी में उसका कोई जवाब नहीं। वो घुड़सवारी भी जानती है? हाँ महाराज, गोरो के छक्के छूट गए थे उनके सामने। उसने अंग्रेजों से लड़ाई कर ली? लड़ाई नहीं महाराज, खेल में मुकाबला किया। खेल वो कोई भी खेले, खूब खेलती है वो। हम फिर जीत गए हुसैन। आपने भी उन्हें खेलती हुई देखा है महाराज? तब तो महाराज झांसी के भाग्य खुल गए। वो झांसी आ जाए बस। मुनाफा मुंशी जी, मुनाफा, मुझे हर चीज में मुनाफा चाहिए। हिसाब किताब एकदम बराबर होना चाहिए। कहाँ है वो लड़की? हम बिठूर पहुंच गए हैं। मैं समझी कि मेरी जय जयकार हो रही है। हाँ, हर जगह सिर्फ तेरी ही जय जयकार होगी। बढ़िया। मैं इंदू दीदी, हम तो सपना देख रहे थे कि जॉर्ज को हराने पर लोग खुशी से हमारी जय जयकार कर रहे हैं। बस बस, इतनी सी है और इसकी बातें देखो। बड़े बड़े महाराजाओं का घमंड नहीं रहा तो तू क्या है? आजी साहब, आप हमेशा झूठ मूठ हमसे नाराज होती है ना? झूठ मूठ जी, हमें सब कुछ पता है। मंदिर हमें बता रही थी उस दिन जब हमने उस घोड़े को हराया
तो आप बहुत खुश हो रही थी? मिठूरवासियों, आप सबने इस प्रवासी पेशवा के हर सुख दुख का साथ दिया है, कभी आभास ही नहीं होने दिया। ये बाजीराव और उसके साथ आए हुए 10,000 पुणेवासी शरणार्थी है। ये अभागा निर्वासित पेशवा, ये आपका ऋण इस जन्म ने नहीं चुका सकता। महाराज, ये कहकर आप हम लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके यहाँ पधारने से मिठूर की महिमा चारों ओर फैल रही है। ये सब आपका प्रेम है और इसी प्रेम को ऐसे ही बनाए रखिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मिठूरवासियों, आज हम अपनी पुत्री के लगीन की तिथि पक्की करके आए हैं और इसी अवसर पर एक महाभोज का आयोजन किया है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इसी में सम्मिलित होकर हमें आतिथ्य का सौभाग्य प्रदान करें। बाजीराव महाराज पेशवा की, बाजीराव महाराज पेशवा की, बाजीराव महाराज पेशवा की, बाजीराव महाराज पेशवा की, बाजीराव महाराज पेशवा की। Is your move, son? It's a complicated situation. No, my son. Situation koi complicated nahi hota. Bas khud ko safe rakhne ka tact aana chahiye. So, kya hua, Kane? Humne Shyam Rao se Qadir se pooch liya, lekin wo kuch bhi nahi bata pa raha hai. I really doesn't know about that brown monkey girl. Girl? This is impossible. इतने बड़े क्राउड में उसे कोई भी नहीं जानता। सर, हमें अभी तक इतना ही मालूम हो सका है कि वो बेचुल के बाजीराव की किसी सर्वेंट का लड़की है। बितूर के बाजीराव के सर्वेंट की लड़की? आज वाट इस लड़की का नाम चाहिए। ओके सर। Why so परेशान सर? Nothing, nothing. Administration, politics, these are very complicated. Just as you said, sir. Situation कोई complicated नहीं होती। बस उसे सेफ करने का तरीका आना चाहिए। Check and mate. And I know about that monkey girl.
स्वर्ण मुद्रा? ये स्वर्ण मुद्रा तुम लोगों को कहां से मिली? पिताश्री, वो पेशवा महाराज है ना, वो कानपुर से वापस आ गए, वहीं पर मिले ये मुद्राएं। अंदर जाओ तुम लोग। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अरे स्वर्ण मुद्राएं आपके हाथ में? इसका अर्थ है कि आपकी पुत्रियां सकुशल वापस आ गईं। सर्वे तन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रसाद ग्रहण कीजिए। अद्वितीय, अद्भुत, अपने कुल मान मर्यादा को अपमानित करते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? ये भी नहीं सोचा कि तुम कौन हो? भिक्षुओं की भांति पंक्ति में बैठ गए। अरे तुम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। यदि तनिक सा भी आत्मसम्मान बचा है तो इस तिरस्कृत भोजन को छोड़ दो और उठाओ। आचार्य बादरायण, आप ही से भेंट करने आया हूं मैं। आइए पधारिए। अनुयायियों में बांट दीजिए। आचार्य जी, कृपा करके शांत हो जाइए और सुनिए। नहीं, हम सुनने नहीं, बताने आए हैं। यदि आपके उस तथाकथित पुत्र ने उद्दंडता नहीं छोड़ी, पूरे पिठूर में तांडव होगा तांडव। बस बस मां जी, बहुत बोल दिया आपने। बाजीराव, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण तुम्हें शाप देता हूं, जिस प्रकार तुम्हारे दत्तक पुत्र ने
मेरी पुत्री को अपमानित और लांछित करने की चेष्टा की है, उसी प्रकार तुम भी आजीवन एक लांछित व्यक्ति का जीवन जियोगे। अपराध गिनाते समय पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि जिस बच्ची पर आप आरोप लगा रहे हो उसकी आयु कितनी है। Your Majesty, क्या इतनी सी बच्ची किसी ब्रिटिशर को चाबुक मारने की हिम्मत रखती है? और उसने एयर बॉम्ब बनाया और उसने कैंपर घाट पर हमारे प्रिंसेस को छुड़ाने की कोशिश की है। इट इज अ वेरी सीरियस क्राइम। नहीं नहीं, किसी ने आपको गलत सूचना दी है। हमारी छवीली ऐसा कभी नहीं कर सकती। Your Majesty, हमारे ऑफिसर किसी पर झूठा एलिगेशन नहीं लगाते। परंतु हम आपका आरोप स्वीकार नहीं करते। हे देवा, अब क्या होगा? जब से मनु आई है ना, हम सबको दुख ही दुख दे रही है। क्या दुख दे रही है? हमारे मनु ने कुछ नहीं किया। तू नहीं जानती उसने क्या किया है। अति करती है अति। उन धुर तिरंगियों के अहम को ही ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके मान और सम्मान को भी ललकारा है। जब खेल में हार गए तब चुटकिया पकड़ना आ गए, ठेंग आ जाएगी मेरी मनु। चुप। क्या खेल में जीतना भी अपराध है आजी साहब? हाँ बेटा, इन धुर तिरंगियों की दृष्टि में घोर अपराध है। चलो साहू भाई, हम दरबार में चल के देखते हैं कि मन्नू के ऊपर और क्या क्या आरोप लगे हैं। चलो। अरे चलो। Now, Your Majesty, I'm extremely sorry. अगर जर्मनी के अंडर मनु भाई को हमारे हवाले नहीं किया तो हमारे सोल्जर्स महल के अंडर दाखिल होकर उसे अरेस्ट कर देंगे। विंसेंट साहब, उस समय हमें अपना मित्र समझते थे आप। वाह, अच्छी मित्रता निभा रहे हैं। Your Majesty, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी? अभी क्या कम समस्याएं उत्पन्न कर रखी है आपने? जब देखो धमकाते रहते हैं, पेंशन बंद कर देंगे, विठूर से निर्वासित कर देंगे, नहीं तो आम जनता की तरह अपनी अदालत में बुलाने का अपमान करेंगे। अरे हमारी धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब तो छीन लिया तुमने, अब और क्या छीनोगे? सोल्जर्स, इन फिरंगियों से कि ये अपनी बंदूकें नीचे कर लें।
हम हिंदुस्तानियों की तलवारें। Put your guns down. Your Majesty, अगर यह हमारे सोल्जर को जरा से भी खरोच आ गई तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। ठीक है, फिर हम भी देखते हैं आप हमारी छबीली को कैसे ले जा सकते हैं। कहीं नहीं जाएगी। Your Majesty, don't worry. अगर मनुबाई पर लगे चार्ज गलत साबित हुए और वो गिल्टी नहीं पाई गई, then she will be back at your palace. हम खुद पहुंचा देंगे। Yes, Your Majesty, हमें विश्वास कीजिए। बाबा साहब, हमें धूर्त गोरों पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये हमारे होने वाले पेशवा हैं, श्रीमंत सरकार। इनके खिलाफ एक भी अपशब्द कहना, यही खोद कर काट दूंगा तुझे। कौन है तुम? तात्या टोपे। देख लो इस चेहरे को गौर से। तुम फिरंगियों को ये चेहरा सदियों तक याद रहेगा। सदियों तक। दिनों से इसी दिन का इंतजार था। अब कौन बचाएगा तुम्हें? I'll teach you a lesson, you brown monkey girl. हम ब्रिटिशों को नीचे दिखाएगा। हे देवा, ये फिरंगी मेरी मनु को मार डालेंगे। कुछ तो करना होगा। कहाँ जा रहे काका? तात्या, मनु, वो फिरंगी। धीरज रखिए काका, वो मनु है।
मणिकर्णिका, हर परिस्थिति से निपटने का साहस है उसमें। तात्या एक दो होते तो निपट भी लेती, परंतु यहाँ तो बिठूर से लेकर कानपुर तक सारे गोरे उसके शत्रु हो चुके हैं। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो धूर्त गोरे उसका। उसके दिल में ना केवल उन फिरंगियों को बल्कि उनके पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की चिंगारी फड़क चुकी है काका, और हमारी मनु में सब झेलने का साहस है काका, सब झेलने का। दादा तुम गुरु हो उसके, तुम्हारे अंदर की सुलगती आग उसमें भर गई है, परंतु मैं तो पिता हूं उसका, मां बनकर पाला है मैंने उसे। काका आज तुम्हें बचाने के लिए ना तुम्हारा फादर आएगा ना तुम्हारा अजोबा बाजीराव। तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो तुझ पर आई बार तो देखो। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। What are you doing it, sir? सजा देने का अधिकार कानून को है, आपको नहीं। You. जाइए। मेरे चैम्बर में मिस्टर विल्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। छोड़ो उसे। कोई टच नहीं कर सकते। I promise। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।